इस बार के लिए जबरदस्त तो उसकी फायदा 34 महीने में करेगा। ये 14 फुट हो गया है। हाँ जी हाँ जी, और इसकी मोटाई देखिए ना, ऊंचा तो कोई भी कर सकता है मतलब, लेकिन इतनी मोटाई इतनी गर्त लेके आना ये बड़ा कठिन काम है। और इस प्लांट का फैलाव देखिए आप, ये देखिए हाथ में पकड़ में नहीं आ सकता, 6 अंगुल से भी ज़्यादा है इसके बाद, 1 हाथ और 6-8 अंगुल से भी ज़्यादा है ना। तो हिमाचल प्रदेश में भी इतना मोटा नहीं होता होगा 34 महीने में। देखिए तो गुरु जी, ये न्यूट्रिशन और ऊर्जा विज्ञान का मामला है। यहाँ से काट करके ये जो हमारे प्लांट हैं जिनमें अभी आपको दिखा है ना कि फैदर आ गया, फल आएंगे, या जिनमें पिछले साल फल आए, तो उनको उनकी बड्स को हम इतनी बड़ी काटेंगे जहाँ जिस साइज की चाहिए, जिस इसी मोटाई की, और उसको कट करके हम यहाँ से ग्राफ्टिंग करेंगे, फिर अगले साल ये वहाँ। ये जो आपके प्लांट लगे इधर, यहाँ के फल, ये जो जो फल लगे हैं, फल लगने वाले ये बड़े प्लांट, यहाँ से आप जो है बड्स काटेंगे और फिर इनमें हम और काट करके और इसमें लगाओगे। हाँ, यहाँ पर काटेंगे और इसी साइज की ग्राफ्टिंग इसमें करेंगे, ये लगाएंगे, फिर ये अगले साल वैसे तैयार करेंगे हम। तो ये पूरा और ये जो लगाओगे तो फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास ये वाले जो फल हैं, ये जो बड़ी नर्सरी है जिसमें फैदर आ चुका है, ये जो है प्लांट फिर बेचोगे, तो ये 24 महीने की पूरी प्रोसेसिंग है, ये बेचेंगे। ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सिवनी के किसान ओमकार राय जी को। ओमकार राय जी TCBT के भी विशेषज्ञ किसान हैं। TCBT प्राकृतिक खेती की पद्धति से ही खेती करते हैं। अभी इन्होंने 12,000 लीटर बेल का बिल्व रसायन बनाया है। हाँ जी, बिल्व रसायन, जैव रसायन ये बनाया है, देखिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको हमने पूरा फिल्टर्ड वाटर से बनाया है। अच्छा, पूरा फिल्टर लगा करके इसको पहले पानी भरा 6 दिन तक। हाँ हाँ, और पंचमहाभूत युक्त गुड़ इसमें डाला है 80 रुपए अच्छा। किलो का खरीद के। अच्छा, और सारे बेलों को ऊर्जा जल से धुल के। हाँ, और जिस पेड़ में गए उस हाँ, पेड़ से पहले निमंत्रण दिया। अच्छा, हमारे यहाँ की पूर्वजों की पद्धति है। हाँ, हमें औषधि के लिए आपके बेल चाहिए। हाँ, और इतने सारे बेल की तुड़ाई में किसी आदमी को कांटा नहीं लगा, अनबिलीवेबल, पतले से पतला। और हमने हर पौधे में कुछ कुछ बेल छोड़े, जिस गांव में गए, जहां भी गए, या जहां से भी खरीदा, जो तोड़े थे उनमें। और खरीदी के समय हमने 50 रुपए किलो बेल खरीदा अंतिम में। अच्छा, तो हमको टंकियां खाली लगी और गुड़ घुल गया था। हाँ, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो 52 रुपए किलो का हमने फिर जो है बेल एक जगह से बुलवाया, जबलपुर के पास से। अच्छा, दूर दूर से बेल बुलवाया। हाँ गुरु जी, जबलपुर से बुलवाया, 52 रुपए किलो दिया उन्होंने, लेकिन ठीक है, अब चूंकि गुड़ घुल गया था, क्या करते हैं, नहीं तो घर वाले नाराज होते। तो ये है, इतनी प्रेगनेंस है, देखिए इसको हम पौधों में देते ना, बिल्कुल पौधा चढ़ पड़ रहा है, इसीलिए जब अंतिम स्थिति लगती कुछ नहीं यार, तो डाल दे 2-4-5 लीटर पानी में मिला के जीवाणु घोल के साथ। अच्छा, तो करते हैं सुपर सॉइल, इसमें घुलवाया और डाल दिया। तो ये पेड़ का छांव भी बड़ा अच्छा है आपके। यहाँ हमने नेट लगाया था पूरा। अच्छा, पूरा नेट लगा करके बरसात जब चालू हो गई। हाँ, और इसके 90 दिन जब पूरे हो गए तो हमने फिर वो नेट वेट हटा दी। अच्छा, तो कितने लीटर होगा बेल का जैव रस? 12,000 लीटर। बहुत बढ़िया, उसमें से और हमने यूज कर चुका है अभी 10,000 लीटर नेट अवेलेबल है। अच्छा, कितना गाढ़ा है? ये इंसुलिन है शुगर के लिए, और एक से ये 4-4 कंद आ रहे हैं, तो 4-4, 6-6 कंद आ रहे हैं। देखिए ये जो शुगर में यूज करते हैं। हाँ, ये शुगर के इंजेक्शन लगता है इंसुलिन। हाँ, का वो पौधा खाने से। हाँ, कहाँ से लाके लगा लिया? ये मैंने आसाम से कुछ बुलवाया था, आसाम से। हाँ, ये नीम की पत्ती का जैव रसायन है, इन प्रोसेस है अभी। एक पत्ती कोई खा ले तो आधा घंटे तक उसको कोई स्वाद ही नहीं आएगा, एकदम मीठा अपन खत्म, गुड़मार है, गुड़मार। और इसे हाँ, मतलब ये है कि हाँ, स्वाद ही खत्म हो जाएगा, स्वाद खत्म, एकदम कड़वी होती है। अच्छा, ये सिंदूर है, ये जंबो बेल है, इतना बड़ा होने वाला। अच्छा, ये पलाश का पुष्प रसायन है। पलाश का पुष्प रसायन? हाँ जी, केवल पेंडुलम का है, इसमें ओवरी और ब्लैक कुछ भी नहीं है। निकालना, फूल निकालना ही सबसे कठिन काम। अच्छा, फूल यदि पुराना हो गया तो नहीं हो सकता, आए वहाँ से ये 2 आदमी ने तोड़ा, यहाँ 4 आदमी निकालने वाले होते हैं, और फिर इसको उसको भी साफ करते हैं निकालने। ठीक है, इसको सुरक्षित रखो, है ना? जी जी, रखो, ढक दो। आज है 2 अक्टूबर 2023 और अभी हम हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के थावरी ग्राम में, जयंती फ्रूट प्लांट नर्सरी। तो जो है ये नर्सरी में ओमकार राय जी का ये खेत है, और अभी देखिए कि ये सेब के पौधे लगे हैं, और सेब के पौधे लगते हैं अमूमन हिमाचल प्रदेश में, शिमला, कुन्नू, मनाली, लेकिन ये जो है 42-48 डिग्री टेम्परेचर में सिवनी जिले में भी सेब के पौधे जो है बहुत अच्छे फल आ रहे हैं। हमने अभी देखा कि 34 महीने में 14 फुट का जो है सेब का पेड़ इनके यहाँ हो गया। अब जो है
आप देखिए कि इतना शानदार जो है ग्रोथ है, और ये इन्होंने लगाया है, ये नर्सरी है, ये आप देख रहे हैं ये नर्सरी है। और देखिए इनकी जड़ें, इनकी जो तने, तो ये जो तने हैं इनको सबको अभी ये ग्राफ्टेड है, यहाँ से देखो ग्राफ्ट किया गया, यहाँ से ग्राफ्टिंग है, हाँ ये ग्राफ्ट है, ये देखो यहाँ से ग्राफ्ट है, ये ग्राफ्ट है, ग्राफ्टिंग पॉइंट है, और ये ग्राफ्ट है, यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है, ये अच्छा ये ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग करके कौन सी वैरायटी लगाए हो? ये हमने अन्ना लगाया है और गोल्डन डोरसेट लगाया है। अन्ना और गोल्डन डोरसेट, हाँ जी। तो ये गर्मी में बराबर फलेंगे? गर्मी में फल ही रहे ना, हमने तो इनमें वही वर्ष लगाई है कि हाँ। जिनमें फल आ चुके हैं, क्योंकि हमको तो लोकल के किसानों को देना है और फल लाके देने की गारंटी पर हम काम कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब फल आएंगे इसकी गारंटी आपको? गारंटी हम लेके काम कर रहे हैं, तब तो इतना सारा हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं। देखिए हमने कुछ प्लांट्स में सब अलग अलग प्रयोग किए, इनमें फेदर बन गए, इनमें इसी साल फल आएंगे। इस प्लांट्स को बनाने में हमने इतनी मेहनत की है, इनमें सब में देखिए फेदर बन गए हैं। फेदर क्या होता है? ये फेदर होता है गुरु जी, ये जो है ना इसमें इस बार ही फूल आएगा और फल आएगा। ये नर्सरी का प्लांट है। अच्छा। इसी बार आप इसमें यही लगा रहे तो हम 4-5 फल इसमें ले सकते हैं, सैंपल फ्रूट इनर। अच्छा, हाँ। मतलब नर्सरी में ही ले सकते हैं? नर्सरी में ही ले सकते हैं 4-5। अच्छा ये बताओ कितने दिन का ये जो है आपकी नर्सरी हुई है? गुरु जी ये एक्चुअली ना ये जो नर्सरी है ये हमने ग्राफ्टिंग के बाद मार्च में इसको लगाई थी, लगाना चाहिए। कितने बड़े थे ग्राफ्टिंग के बाद? ग्राफ्टिंग के बाद ये एक बित्ता के थे, एक एक मतलब एक फुट के थे? नहीं, एक फुट से ज्यादा होता, हाँ लगभग एक फुट से कम, आधा पौन फुट के। कब लगाए थे इनको जमीन पे? ये हमने मार्च में लगाया था, मार्च 2023 में। 23 में लगाना चाहिए था, दिसंबर में, लेकिन उस समय सब क्रॉप लगा था। और जब हम हिमाचल गए फरवरी में तो वो वहाँ लैंड का बड़ा कॉस्ट था, मैं पूरे प्रवास करके आया तो लोगों ने कहा अरे, हमने बोला यार ये प्लांट हमें दे दो, है कि नहीं, हम लगा लेते हैं तुम्हारा जो भी पैसा है। तो अपने हमें चूंकि हमारे टीसीबीटी न्यूट्रिशन पर भरोसा था, ये इसका फेदर की कंडीशन देखिए आप इसमें। तो आपने मार्च 2023 में लगाया? हाँ जी, हाँ जी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और ये आज 2 अक्टूबर। हाँ, मतलब क्या है कि 6 महीने हो रहे हैं, कुछ 6-6.5 महीने। हाँ, इसमें हमने ये फेदर बना लिया। ओके, ये सब हमने तय कर रखा है प्लांट वाइज, हमारे पास प्लांट की डायरी है पर प्लांट की, पर प्लांट क्या डिजीज आ रहा है। जो इसके एक्सपर्ट है उन्होंने क्या कहा कि आप जी हमको ऐसा प्लांट बना के दो जिसमें डिजीज ना आए किसान के यहाँ। तो हमने टीसीबीटी में जब आपसे पूछा कि कैसे होगा, तो आपने कहा अरे पंचमहाभूत पूर्ण कर दो, V+M+ की कॉलोनी बना दो, न्यूट्रिशन पर्याप्त रहेगा तो डिजीज नहीं आएगा। तो हमने कहा इसमें इतना ऊर्जा जल पपून भक्षक और गोवर्धन खनिज खाद का रेगुलर स्प्रे किया और जमीन में दिया। एक तो देखो यहाँ खरपतवार इतना होता था इस जमीन के अंदर, हम परेशान हो जाते थे, खरपतवार आपको आपको ढूंढना सा पड़ेगा, हैं 2-4 पूरी मतलब बारिश निकल गई खरपतवार उगा ही नहीं, खरपतवार नहीं है। एक गोवर्धन खाद का कमाल है भैया, ये एक जबरदस्त बात है। और हम इसमें स्प्रे करते हैं, और हमने क्या किया कि किसी के यहाँ जाकर के डिजीज ना क्रिएट हो, इसके लिए हमने इसमें पूरा फफूंद भक्षक V+M+ सारा देते हैं, नीचे भी देते हैं, तो ये यहाँ से मजबूत होके जाएगा प्लांट, यहाँ से रोग रहित होके जाएगा, और उसकी जमीन का भी हम ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो रोग नहीं आएगा। एक भी प्लांट खत्म होता है तो किसान को बहुत दुख होता है, तो रोग हमारे यहाँ से कोई रोग ना जाए। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या बनाते हो आप यहाँ? न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास जैव रसायन है, तीनों चारों प्रकार के, बेल का है भरपूर मात्रा में, हमारे पास पलाश का है, हमारे पास मदार का है, आंवले का है। भस्म रसायन बनाते हो? भस्म रसायन तो बनाते चलता है पूरे 15 एकड़ के लिए है। हाँ। ऊर्जा जल तो गुरु जी 2000 लीटर परमानेंट रखा ही रहता है। सुपर सॉइल सुरपाल भी डाले? सुपर सॉइल और सुरपाल पर हम बहुत काम करते हैं। अच्छा, उसी कारण ये पत्तियों में इतनी चौड़ाई आई है, ये इस चौड़ाई का कारण। और हम क्या करते हैं 200 लीटर पानी लेते हैं, इसमें 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद डालते हैं, जरूरत के हिसाब से कभी 50 ग्राम कभी 100 ग्राम सुपर सॉइल डालते हैं। सुपर सॉइल नहीं रहता तो फिर भस्म रसायन डालते हैं, और इसमें छाछ भी डालते हैं, और जैव रसायन हम जैसे डालते हैं 2 लीटर 2-3 लीटर इसमें जैव रसायन डालते हैं जब स्प्रे करना, और इसको 5-7 दिन 10 दिन जितना रख मतलब रखा रहे तो रखा रहे। ये टंकियां कभी हम स्प्रे के लिए खत्म नहीं करते, कोई रोग आने की स्थिति में हम क्या इसमें मिट्टी द्रव रसायन और जो भी मिलाना है उसको मिला के स्प्रे करते हैं। तो हमारे पास ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें इसका बड़ा फायदा मिला
हमने 2 किलो इसमें गोवर्धन खनिज खाद, सुपर सॉइल, जैव रसायन ये डाला और हमने इसके स्प्रे से सारी चीजें कंट्रोल की। आप सोचिए कि इस कंडीशन में जब हम यहाँ नहीं है, ये जो है हमारे पूना राम जी, ये मतलब इतना पूछ लेते कि मामा जी ये दिख रहा और बस स्प्रे किया, ये दिख रहा स्प्रे किया। हमने केवल ये 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद वाला जो फार्मूला ना 1% का, इससे हमें जबरदस्त रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर जबरदस्त रिजल्ट है, ये देख सकते हैं। इस पर काम है। जब कभी लगता है कि पौधे की जरूरत, भोजन की जरूरत है, तो जैव रसायन जरा ज्यादा जमीन में देते हैं अड़ू जल मिला करके। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिसको भी प्लांट चाहिए तो ले सकते हैं, ये देने के लिए है, जबरदस्त है। अच्छा, लाइसेंस है नर्सरी? लाइसेंस वैजयंती फ्रूट प्लांट नर्सरी के नाम से मध्य प्रदेश शासन ने हमें लाइसेंस दिया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। और एक प्लांट कितने का देते हो? एक प्लांट जो फेदर प्लांट है वो हम लगभग 800 रुपए का देने वाले हैं। 800 रुपए बन गया है क्योंकि उसमें खर्ची हमने 400 रुपए किया हुआ है। अच्छा, 800 रुपए 800 रुपए का देंगे। जिनमें कम फेदर बने, हम फेदर वाइज जैसे 14 फेदर बन गया तो हम 800 से 1000 रुपए का देंगे। और ये छोटे वाले? ये छोटे वाले इनमें 550 तक देंगे। देखिए एक साल में कितनी जबरदस्त ग्रोथ है, एक एक साल के पौधे। जैसे ये है, ये आपने बैंड किया तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से जो है ना फेदर बनने के लिए ब्रांच मतलब दो निकल गए। इन्हीं में फूल आएंगे, यहाँ भी हाँ इसमें भी फूल आएंगे, इन्हीं में फूल आएंगे। जैसे ये है तो इसमें फल आएंगे, इसमें फल आएगा। ये कटिंग के कारण बना, ये कटिंग के कारण होता है ना, हमने यहाँ पर एनर्जी ब्रेक कर दिया तो पूरी एनर्जी आकर के यहाँ ये दोनों तरफ चली गई। तो इसमें फूल कब आएंगे? फूल आएंगे फरवरी में आएंगे। और मार्च अप्रैल में फ्रूट सेटिंग होगी और मई में बहुत जबरदस्त ये पकेगा। देखिए नया पौधा है, अपने न्यूट्रिशन का मैं आपको बताता हूँ, टीसीबीटी न्यूट्रिशन के कारण हमने क्या पाया, ये किसान क्या पा सकता है। ये बैंडिंग से हमने इसको तो निकाल लिया, फिर इसको हमने हाई न्यूट्रिशन जोन पर लेके जाना था, तो हाई न्यूट्रिशन जोन पर ले जाने के लिए हमने क्या किया, ये इसमें सुपर सॉइल, भस्म रसायन और जड़ू जल और ये जैव रसायन हमारे पास जितने भी प्रकार के बने हैं, पलाश का है या बेल का है, और ये यहाँ से हमने 1.5 फीट ऊपर से हम ले सकते हैं ग्राफ्टिंग के, तो हमने यहाँ पर ब्रांच नहीं ली और यहाँ पर लेकिन हम फल जरूर लेंगे क्योंकि हाई न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं, तो हम इस स्पेस का पूरा यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस बार फल लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। हमको स्नैचिंग करनी पड़ेगी, 1.5 फीट से ज़्यादा हमको इसकी कैनोपी को फैलाना नहीं है, तो हमने 3x3 में लगा दिया। किसी के पास यदि एक आधा एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन भी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है प्लांट फैला है, तो प्लांट फैला ना, तो इसके अंदर यहाँ से हम रोक करके फेदर बना रहे हैं। देखिए यहाँ हर जगह फेदर ही फेदर बन रहे हैं, जब आप किसी भी उसमें ले लीजिए सब फल लगने वाले फेदर बन चुके हैं। ये देखिए ना, यहाँ एनर्जी रोका हमने, इसमें सब फेदर बन गए। अच्छा, तो ये इसका परिणाम है। अब ये क्या पत्ता भोजन बनाता ना, जितना ज़्यादा भोजन बनाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी लेगा, और फिर हम इसको जब एनर्जी लेकर के स्टोर करेगा, हम इसको यहाँ पर रोक देंगे तो ये खूब उत्पादन देगा ना, नीचे से ऊपर तक फेदर ही फेदर इसके अंदर बन रहे हैं, इतने फल आने वाले हैं। तो ये हम ये 3x3 में इसलिए लगा रहे हैं कि कम संख्या होने के बाद भी हमको इसमें उत्पादन ज़्यादा लेना ना, हम चाहते हैं कि कोई एक आधा एकड़ का किसान है तो फिर उसको दूसरी खेती नहीं करना पड़े, दूसरी खेती करने की ज़रूरत नहीं। जैसे इस प्लांट में हम आपको फेदर बताते हैं, हमने कैसे इसमें प्रयोग किया है, अपने गर्म जलवायु में कैसे प्रयोग किया, इसकी हम विशेषता बताते हैं। देखिए एक तो प्लांट का देखिए, 2 साल 36 महीने का प्लांट है, कितना मोटा है पहली बात, दूसरी बात ये अपना फेदर बन रहे हैं। हमने सोचा कि इस बार हर डाली में 1-2 ग्रुप लेंगे फ्रूट्स का, ये फेदर बना, ये जो प्रूनिंग हुई है उसके कारण है। इस तरफ इसमें लगभग 10 किलो फल हम ले सकते हैं, इस तरफ से यदि आप दिखा सकें, इसमें 10 किलो हम फल लेने वाले हैं। एक आइडिया हमने लिया कि हम इसमें देखिए ये पूरा फेदर बना हुआ है, ये देखिए इसमें पूरे में फेदर बने हुए हैं, ये यहाँ पर 5-5, 6-6 के गुच्छों में फल लगने वाले हैं। पर अब कम से कम ये 14 फुट का प्लांट होगा मेरे एवरेज से। कितने दिन का है ये? 34वें महीने का है। अच्छा, और इतना मजबूत होने के कारण हम इसमें 10-12 किलो फल आराम से ले सकते हैं सिंगल लीटर में। अपन ज्यादा हाई न्यूट्रिशन दे रहे हैं ना टीसीबीटी का, खूब बड़ी बड़ी ये चौड़ी चौड़ी पत्तियां, देखिए चौड़ी चौड़ी पत्तियां आ रही हैं हथेली वाली, ये हथेली में पत्ती आती है, तो ये सुरपाल का कमाल है और जैव रसायन का, तो इस पे हम बहुत अच्छे से इस बार फल लेने वाले हैं जबरदस्त। 34 महीने में ये 14 फुट हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, और इसकी मोटाई देखिए ना, ऊंचा तो कोई भी कर सकता है मतलब, लेकिन इतनी मोटाई इतनी गर्त लेके आना ये बड़ा कठिन काम है। और प्लांट का फैलाव देखिए आप, ये देखिए हाथ में पकड़ में नहीं आ सकता, 6 अंगुल से भी ज़्यादा है इसके बाद, 1 हाथ और 6-8 अंगुल से भी ज़्यादा है ना। तो हिमाचल प्रदेश में भी इतना मोटा नहीं होता होगा 34 महीने में। देखिए गुरु जी ये न्यूट्रिशन और ऊर्जा विज्ञान का मामला है, देखो इसमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन हो गया तो इतना ज़्यादा बन गया तो इसको फेदर बोलते हैं। हाँ, ये फेदर बनेगा यहाँ पर आके, इसी में जो है सेब के फूल और फल आते हैं।
ये अन्ना की वैरायटी है क्या? अब ये जो न्यूट्रिशन के बाद जो नई पत्तियां आ रही हैं, ये आप इसका साइज देखिए। अच्छा, एक आध का नहीं है, सभी पत्तियों का ये है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे हाथ की हथेली के बराबर हथेली बढ़ गई है ना। और नए पत्ते आएंगे सब इसी साइज में आएंगे, परिपक्व भी इसी में आ रहे हैं। देखिए ये उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा आ रहा है। तो ये पत्ते जितने बड़े होंगे उतना ज़्यादा भोजन बनाते हैं, उतना ज़्यादा हमको वो रहता है, सिस्टम बनता है। ये देखिए, और ये झुकाने के कारण से ही ये जो एनर्जी बनती है, यहाँ पर फैदर बनते हैं, है ना। यहाँ पर हमने एनर्जी रोक दी तो ये फैदर बन गया। इस बार यहाँ पर फ्रूटिंग आने वाली है। अच्छा, हाँ, इस बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। इसमें अगले साल के लिए हम तैयार कर लिए हैं, उसके अगले साल के लिए हम इनमें तैयार करेंगे। तो ये पिछले साल जो फैदर बना था उसका इस साल इसमें फल आएगा। पिछले साल ये जो इस साल बन रहा है अगले साल आएगा इसमें। हाँ, यहाँ से हमने प्रूनिंग करके उसकी एनर्जी को रोका था। ये गांठ दिख रही है ना, तो ये इसकी एनर्जी यहाँ रुकी तो यहाँ पर फैदर बन गया, इस साल इसमें फल ले लिया। फिर इसको जब हमने यहाँ डाउन किया तो यहाँ पर फैदर बन रहे हैं, ये फैदर बने हैं, ये फैदर बन रहे हैं। इनमें अगले साल लेंगे, फिर इनमें अगले साल लेंगे, फिर उसके अगले साल के लिए हम इनमें करेंगे। फिर हमें कहाँ पर क्या लेना है ये हम तय करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको फल लेने की जरूरत पड़ी, यहाँ ब्रांच नहीं थी, हम यहाँ से ब्रांच लेने की जरूरत पड़ी तो हमने इसमें वो कट लगाया जिससे हमको ब्रांच मिल सके। तो अड़ू जल हम रेडी रखते हैं, अड़ू जल बनाना है, अड़ू जल का स्प्रे करना है, उसके लिए हम पूरा। अच्छा, एक बात, इन्होंने हमें दो दिन पहले जब हम सिवनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे उसके एक दिन पहले इन्होंने हमें बताया कि अपनी मिट्टी में पहले ये क्या यहीं पर ये कुदाल यहाँ चलाते थे। तो हमने पूछा यार अपन इतना सब कर रहे हैं तो फायदा क्या हो रहा। तो इन्होंने कहा कि जब अपन ये खोदते हैं ना तो पहले मिट्टी ऐसे चपक जाती थी, अब जो निकलती वो भुरभुरी निकलती, मतलब गैती में चपक नहीं रही है। ये पता नहीं फर्क आया कितने दिन में आया फर्क, ये लगभग साल एक इसमें अपन कर रहे हैं ठीक से, साल एक में आए। 2000 लीटर जो रसायन है उधर मदार का बना रखा है, इसकी फ्रेग्रेंस देखिए कितनी तेज है, सुपर, देखने से भी कितना प्यारा लगता है गुरुजी। कितना प्यारा लगता है, इसको हम पीते भी हैं। अच्छा, हाँ, आपने एक वीडियो में बताया था ना कि जिसको शुगर हो जाए उसको पीने, तो हम इसको पीने का काम में लिए हैं। इनमें सब में हमने पंचमहाभूत युक्त और फिल्टर्ड वाटर का यूज किया है। अच्छा, हमारा उद्देश्य था कि यदि कोई रोगी आ जाए तो उसको ये देंगे। अच्छा, हमारे परिवार में माता जी को शुगर थी, तो ये जो सारा इंसुलिन है और गुड़मार है, ये जैव रसायन है, हम इनका इसका हम कपड़े धुलने में इस वाली टंकी का प्रयोग कर रहे हैं अभी। कपड़े अच्छे छूट रहा है इससे भी। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस थी इसकी जबरदस्त है, लग रहा है कि आंवले का मुरब्बा है ये। ठीक बोल रहे हैं, इतने अच्छे सुगंध है। ये किसका है? मदार का है गुरुजी, अकौवा। अच्छा, हाँ, जो बंद फूल है उनके। हाँ, बंद फूलों का ही बनाया है, बहुत प्रभावी है, बहुत तीक्ष्ण। अच्छा, हाँ, बहुत तीक्ष्ण है इसकी, इतनी तीक्ष्ण महक है कि ले ले तो कोई गश्त आ जाए। ठीक है, ये तो खैर पीने में यूज नहीं कराना, इसको स्प्रे करवाना। कड़वे का है, हम इसको स्प्रे में यूज करते हैं। और कितनी सारी लौकियाँ हो गई देखिए, ये जैव रसायन और इनका भस्म रसायन का कमाल है देखिए, अड़ू जल। हमने गुरुजी हमने ये सोचा कि हम आत्मनिर्भर बने थोड़ी सी जगह से, कि कैसे किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। तो अभी जो कुछ प्लांट आए उनमें हमने देखा कि फल नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे किसान भाइयों की कंप्लेंट है कि भाई फल नहीं आते हैं। तो हमने इसका पूरा विज्ञान जब जा कर के समझा हिमाचल में, तो उन्होंने कहा कोई भी उठाते हैं एप्पल की ग्राफ्टिंग करके दे देते हैं, पत्ते तो वैसे ही दिखते हैं और फूल अच्छे से फैदर बन भी गए तो फूल और फल नहीं आते हैं, क्योंकि जो फल बनने के बाद जो ब्रांच का हम कट के ग्रिफ्टिंग करते हैं बड्स का, वो यहाँ में होता नहीं है। तो हमने कहा फिर इसको हम करेंगे, तो ये हमने सीडलिंग बुलवाया कश्मीर से और इसको सक्सेसफुली यहाँ पर लगाया, सीडलिंग हमने ग्रो किया। कश्मीर से बुलवाया। अब इस सीडलिंग को हम क्या यहाँ से काट करके, ये जो हमारे प्लांट हैं जिनमें अभी आपको दिखा है ना कि फैदर आ गया, फल आएंगे, या जिनमें पिछले साल फल आए, तो उनको उनकी बड्स को हम इतनी बड़ी काटेंगे जहाँ जिस साइज की चाहिए, जिस इसी मोटाई की, और उसको कट करके हम यहाँ से ग्राफ्टिंग करेंगे। फिर अगले साल तो ये जो आपके प्लांट लगे इधर, यहाँ के फल, ये जो फल लगे हैं, फल लगने वाले ये बड़े प्लांट, यहाँ से आप जो है बड्स काटेंगे और फिर इनमें हम और काट करके और इसमें लगाओगे। हाँ, यहाँ पर काटेंगे और इसी साइज की ग्राफ्टिंग इसमें करेंगे, ये लगाएंगे, फिर ये अगले साल वैसे तैयार करेंगे हम। तो ये पूरा और ये जो लगाओगे तो फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास ये वाले जो फल हैं, ये जो बड़ी नर्सरी है जिसमें फैदर आ चुका है, ये जो है प्लांट फिर बेचोगे, तो ये 24 महीने की पूरी प्रोसेसिंग है, ये बेचेंगे। अच्छा, और ये कॉन्फिडेंस हमको देखिए, ये मध्य इस क्लाइमेट में इसका मान लो जन्म भी हुआ,
इसका जो यहाँ पर हमने बनाया सीडलिंग, ये जो है आपने ग्राफ्टेड किया है, ये देखो जी, जी। तो ये जो है ग्राफ्टेड प्लांट, आप यहाँ से ये जो मूल प्लांट है इससे उठाते हैं, इससे करोगे ग्राफ्ट जी, है ना। इसमें आप जो है वो जो फल आ चुके हैं उनको आप यहाँ बडिंग करोगे, उनकी बड्स काट के यहाँ पर हम इसमें करेंगे, जिससे फल आने की गारंटी जुड़ गई क्योंकि ऑलरेडी उसमें फल आ चुका है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कोई कहीं से प्लांट तो बुला ले, अरे बाबा प्लांट बुला ले, हमने दो चीजें ध्यान रखी, एक तो गारंटी है ना हमारी फल आने की, तो हम यहाँ पर से देते हैं। अच्छा, ये मूल जो प्लांट थी ये वेरायटी कौन सी होगी? ये देसी वेरायटी है, देसी वेरायटी है, वहाँ तो अच्छा। जो भी होती है दो तीन जंगली वेरायटी उनके प्लांट है। अच्छा, हाँ। तो वो क्या आपको बीज दिए थे कि पौधे? नहीं, हमको पौधे दिए थे, हमने बीज भी इस बार ट्राई करना था लेकिन समय नहीं होने के कारण नहीं कर पाए, अगले बार हम बीज का भी अभी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, इस दिसंबर में। किसान भाइयों, ये है देसी पौधा, देसी सेब का पौधा जिसकी जड़ गहरी जाती है, और जहाँ वो पहाड़ में इसलिए लगाते हैं कि इसकी जड़ थोड़ा गहरी जाए, और इसमें जो है ग्राफ्टेड करके फिर तैयार किए गए हैं पौधे, और इसीलिए और इन पौधों को तैयार करने में 24 महीने लगते हैं, और इसीलिए जो है ये 550 रुपए का एक प्लांट आपको ओंकार जी उपलब्ध करा रहे हैं। और सेब अभी तक केवल हिमाचल से आके खाया जाता है, अब यहाँ का खाइए, हमने खाया है, जबरदस्त स्वाद है, जबरदस्त टेस्ट है, एक एक पौधों में एक एक टहनियों में दो दो किलो फल हमने देखा हुआ है। हम क्या होता है ना, जम्मू से प्लांट उठा के ले आते हैं हिमाचल के ठंडे प्रदेशों से, और फिर आकर के वो यहाँ रोगी हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, जब इसको हमने इसी क्लाइमेट में इसका जो मूल प्लांट तैयार किया, फिर यहीं पर उसकी ग्राफ्टिंग की, यहीं पर उसमें वर्ड्स लगाए, तो ये दो साल यहाँ पर ऑलरेडी टिक चुका है, तो दो साल में इसने अपने आप की सारी चीजों को धारण मतलब कर लिया इस क्लाइमेट में गर्म का, यहाँ लोकल क्लाइमेट का उसको जो है यहाँ के मतलब एनवायरनमेंट जलवायु का अभ्यास हो चुका है, एडजस्ट कर लिया उसने अपने आप को, तो फिर ये प्लांट का मोर्टिलिटी कम है। अपने किसानों को आपका नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9301580060। पता बता दीजिए यहाँ का। ग्राम थावरी, पोस्ट करतारू, थाना धनोरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। ये नर्सरी वैजयंती फ्रूट प्लांट नर्सरी के नाम से रजिस्टर्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।